खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव ना लड़ने और अब प्रचार से किनारा करने की बात से शिवपुरी में सियासी उथल पुथल मच गई है। सियासी गलियारे में यशोधरा की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी, लेकिन यशोधरा ने ये भी साफ कर दिया कि सेहत की खराबी के चलते वे प्रचार भी नहीं कर पाएंगी। यशोधरा ने जय विलास पैलेस महल में शिवपुरी सीट के बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन और जिले के 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ एक गोपनीय बैठक की। बैठक में मीडिया को दूर रखा गया। यशोधरा की बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच गिले शिकवे भी सामने आए, तो वहीं यशोधरा ने भी अपनी नाराजगी प्रत्याशी देवेंद्र जैन और अन्य समर्थकों के सामने जाहिर की। घर में बैठक ली है मैंने, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूँगी। तो मैं 4 बार रही हूँ शिवपुरी की विधायक, तो मैं जस्ट बता रही थी कि हमें कैसे चुनाव लड़ना है और देवेंद्र जी के लिए कैसे काम करनी है। रणनीति एक रणनीति होती है जो हम उजागर नहीं कर सकते, एक रणनीति है जो हमने बनाई है। आखिर में चुनाव तो चुनाव होता है, दोनों पक्ष अच्छे से लड़ते हैं और आज की तारीख में हमारी 5 सीट पे हमारी निशिकांत दुबे जी आए हैं, जो संगठन ने भेजा है अपने सांसद, तो उनको भी मैं बता रही थी कौन क्या है, सबकी इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। जय विलास पैलेस में करीब 1 घंटे तक यशोधरा राजे सिंधिया ने ये बैठक की। बैठक के बाद शिवपुरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुमार जैन ने कहा कि वो राजमाता विजय राजे सिंधिया के समय के कार्यकर्ता हैं और बीते 33 साल से विधायक यशोधरा राजे सिंधिया के साथ काम कर रहे हैं। हमारे शिवपुरी की विधायक, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री, उनके सानिध्य में, उनके सहयोग से पिछले 33 साल से उनके साथ रहे हैं, पार्टी का काम किया है। श्रीमंत राजे साहब के आदेश से पहले तो सब लोग आए थे राजमाता साहब को श्रद्धांजलि देने। यहाँ महल में उनने स्वल्पाहार और चाय के लिए बुलाया। उसी तारतम्य में 5 सीटों का विजय करने का संकल्प दिलाया। बैठक के बाद यशोधरा राजे ने बताया कि इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शिवपुरी सीट बीजेपी के लिए काफी महत्व रखती है, ऐसे में बीजेपी कोई भी ढिलाई देना नहीं चाहती है।